हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एसएससी जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का जो चैप्टर टू है उसका, यानी कि एसिड बेस और सॉल्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक के लेक्चर में हमने पढ़ा था एसिड के बारे में, टाइप्स ऑफ एसिड और इंडिकेटर पढ़ा था, साथ में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, पीएच वैल्यू, इन सब टॉपिक को हमने कवर किया है। आगे जो है हम लोग रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो बेस है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए एक और बात दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि बेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दोस्तों, कि बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव ए बीटर टेस्ट। कहने का मतलब है कि बेसिस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसका टेस्ट क्या होता है, बीटर होता है। बीटर मतलब कि कड़वा होता है। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो हैं बेस कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक और डेफिनेशन हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन और OH- माइनस आयन इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कि बेस वैसे सब्सटेंस को बोलेंगे जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन जो है प्रोड्यूस करें, यानी कि OH माइनस आयन वहाँ से रिलीज हो। जैसे देखिए आप यहाँ पे NaOH का जब हम वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में जो है ब्रेक कर जा रहा है। उस तरह अगर हम बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये पोटेशियम आयन और OH आयन में जो है, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन में जो है ब्रेक कर रहा है। मतलब ये है कि कोई भी बेस हो वो अगर हम उसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो वो OH- आयन प्रोड्यूस करता है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बेसिस में। तो देखिए यहाँ पे एक नंबर में है स्ट्रॉन्ग बेस। सिंपली दोस्तों नाम से ही क्लियर है, स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हुआ कि ए बेस विच कम्प्लीटली आयोनाइजेस इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड ए स्ट्रॉन्ग बेस। कहने का मतलब है कि वैसा बेस जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो वाटर, मतलब वाटर में हम उसको डालें तो कम्प्लीट जो है आयोनाइज्ड हो जाए, मतलब कंप्लीट टूट जाए। जितना मॉलिक्यूल हमने डाला है उतना मॉलिक्यूल अगर ब्रेक कर जाता है आयंस में तो हम बोलते हैं कि ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे आप स्ट्रॉन्ग बेस में आप यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो है स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे वाटर में घुलाया तो ये Na प्लस और OH माइनस में देखिए कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। मतलब क्या है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग बेस है। दूसरा हम देखते हैं वीक बेस। सिंपली उसके उल्टा जस्ट कि ये बेस विच इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड दस प्रोड्यूसेस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज कॉल्ड ए वीक बेस। मतलब ये हुआ कि वीक बेस वैसे बेस को हम बोलेंगे जिसको अगर हम वाटर में घुलाएं तो ये पार्शियली आयोनाइज्ड हो, मतलब जितना हम मॉलिक्यूल उसमें डाले हैं वाटर में उतना मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड ना हो, मतलब उतना मॉलिक्यूल जो है आयन में कन्वर्ट ना हो। जैसे आप देख सकते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हमने आयोनाइजेशन किया तो ये पार्शियली आयोनाइज हुआ और अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे एरो आप देखिए दोस्तों कि यहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन है, मतलब कुछ रिएक्शन जो है फॉरवर्ड जाएगा तो कुछ रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक नोट में पॉइंट याद रखेंगे, एल्केली किसको बोलते हैं, तो एल्केली वैसे बेसिस को बोलते हैं जो वाटर में सॉल्युबल होता है। मतलब ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड ए बेस, सॉरी एल्केली। जैसे आप देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे बेस जो हैं ये एल्केली कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। आप यहाँ से ध्यान देंगे प्रॉपर्टीज़ बेस का जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हम सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि बेसिस हैव बीटर टेस्ट, यानी कि बेस का जो टेस्ट होता है कड़वा होता है। आप इसको अगर टेस्ट करके देख सकते हैं कि बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। दूसरा आप देखिए कि बेसिस फील सॉपी टू टच, मतलब अगर हम बेस को टच करते हैं तो वो सॉप जैसा होगा, मतलब चिकना स्लिपरी आपको टच करने में लगेगा। जैसे आप एक देख सकते हैं अगर सॉप को, साबुन या डिटर्जेंट जो है उसको आप टच करेंगे तो वो जो है टच करने में स्लिपरी होता है। मतलब क्या है कि बेस जो है उसको अगर हम टच करते हैं तो वो स्लिपरी फील होगा। तीसरा हम देखते हैं कि बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, बेस जो है रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है। चौथा हम देखते हैं कि बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि बेस को अगर हम वाटर में अगर मिलाते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बेस को मॉर्टर मिलाते हैं वो आयन में क्या होता है, टूट जाता है। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि बेसिस रिएक्ट विथ सम मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड है, यानी कि टोटल मेटल के साथ बेस रिएक्शन नहीं करता है दोस्तों, कुछ ही मेटल के साथ करता है। और मेटल के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने रिएक्शन कराया जिंक के साथ, और हीट करने पे ये सोडियम जिंकेट बना रहा है दोस्तों, और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि जो भी रिएक्शन होगा मेटल के साथ बेस का, तब ये जो है हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इसमें से। आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ कि बेसिस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा, एसिड बेस रिएक्शन। यानी कि देखिए आप यहाँ पे एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट और वाटर बनाएगा, जो कि एक सॉल्ट और वाटर हो गया, ठीक है दोस्तों। जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है एक दूसरे के साथ तो ये रियल जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। क्या होता है दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसमें जो है हाइड्रोजन कंबाइन करता है एसिड के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और वहाँ पे जो है वाटर प्रोड्यूस करता है, और वाटर जो है एक न्यूट्रल कंपाउंड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि H प्लस जो है और OH माइनस जब रिएक्शन किया न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो H2O बना रहा है, और ये एक वाटर जो है न्यूट्रल कंपाउंड है। आगे हम देखते हैं कि बेसिस रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये जो है सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा, क्योंकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड है दोस्तों वो जो है एसिड की तरफ बिहेव करता है। नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक होता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉल्ट बना और वाटर बन रहा है। तो ये जो है हमारा रिएक्शन है बेस का किसके साथ, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। आगे हम देखते हैं दोस्तों यूजेस ऑफ बेस। तो बेस का तो ऐसे काफ़ी यूज है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूज। जैसे कि आप देखिए, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट यूज है पहला नंबर में कि इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर सॉप पेपर एंड सिंथेटिक फाइबर। यानी कि बेस का यूज जो है सॉप बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में और सिंथेटिक फाइबर बनाने में यूज किया जाता है। आगे देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर। आगे हम ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ेंगे भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको यूज़ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ठीक है दोस्तों। आगे आप देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज इन वॉशिंग सोडा एंड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर वैसा वाटर होता है जिसमें कि जल्दी से कोई भी सब्सटेंस जो है गलता नहीं है, तो वैसे वाटर को हम बोलते हैं हार्ड वाटर। तो दोस्तों ये हार्ड वाटर को जो है हार्डनेस निकालने के लिए भी हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि इस बेस के बारे में जो भी बातें थी हमने डिस्कस करी, और अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो है सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।